ये हमारा भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, और उसका नेतृत्व हम नेशनल मुस्लिम वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी करती है। और नेशनल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से हम पिछले कई सालों से तकरीबन जुड़े रहे हैं, और इस कैंपेन के दौरान हमें ये समझ में आया है कि जो औरतों की समाज में आज स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल से गुजर रही हैं, बहुत हिंसा को वो सह रही हैं, बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ उन पर हो रही हैं। तो ये जुल्म और ज्यादतियाँ किस हद तक हम कोशिश करेंगे कि उनको खत्म की मतलब कम किया जाए, या उनको उनके लिए एक कदम हमने जो उठाया काजी बनने का, तो उसके पीछे मकसद यही था कि काजी की जिम्मेदारी सिर्फ निकाह पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, उसकी बाकी और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो माशरे में हो रहे माहौल को भी देखे। और वो तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो हमने काजी बनने की ट्रेनिंग ली है, उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कुरान के अंदर जो अल्लाह ने 1500 साल पहले हमें हुक्म मतलब हक दे दिए हैं, वो आज तक हमें नहीं मिले। उन हकों को हम कैसे मतलब, अब जैसे कुरान के अंदर पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि निकाह के वक्त औरत की मेहर अदा की जाए, लेकिन आज हम जब माशरे में बात करते हैं औरतों के साथ, तो पता चलता है कि वो वहां तक पहुंचती नहीं है, कि कई जगह तो मेहर माफ करवा ली जाती है, जिंदगी भर उनको मेहर नहीं दी जाती। तो उस चीज के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा कि अगर हमारे पास कोई निकाह कराने आता है, तो हम उस पहले निकाह के वक्त ही उसकी मेहर की अदायगी करवाएंगे, क्योंकि वो कानूनन मतलब कुरान का एक हक औरत का है। इसी तरह के हमने देखा गया कि जो हमारा रजामंदी का एक चीज है, जो इस्लाम सबसे पहले रजामंदी को पसंद फरमा का हुक्म देता है कि लड़का और लड़की का जब निकाह हो तो उनकी आपसी रजामंदी होनी चाहिए, तो वो चीज भी हमने इसमें देखी हमारे मतलब पूरे स्टडी के दौरान भी, और उसके अंदर भी जब हमने कुरान को समझा और कुरान को जानने की कोशिश की और अपने हकूक को जानने की कोशिश की, तो ये चीज में हमारे सामने आई कि लड़का और लड़की की रजामंदी तो कई जगह देखने में आता है कि पूछा ही नहीं जाता, लड़कियों से तो खास तो नहीं पूछा जाता, और लड़के जो होते हैं वो भी बेचारे किसी प्रेशर और दबाव के अंदर राजी हो जाते हैं उसको निकाह को करने के लिए। तो हमारी ये भी रहेगी कि अगर हम काजी बनकर और कामयाबी मतलब जो चुनौतियों को सामना करते हुए हम निकाह जब कराएंगे, तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या लड़की भी राजी है और लड़का भी राजी है, दोनों की रजामंदी से निकाह किया जा रहा है, मेहर की अदायगी की जा रही है, कहीं वो पाबंद रिश्तों के दायरों में तो नहीं आ रहा है, या जोरदस्ती या धोखाधड़ी के साथ तो उनके साथ निकाह नहीं किया गया। इस्लाम बहुत खुला हुआ और बहुत आसान मजहब है। इस्लाम में औरत को बराबरी का हक दिया गया है, उसको इल्म हासिल करने का हक है, उसे हर काम करने का हक है। हाँ, इस्लाम के अंदर औरत को इमामत करने का हक नहीं दिया गया, तो हम इमामत नहीं कर रहे। और जितने भी जो लोग मतलब जो बात कह रहे हैं, जो काजी होने की बात कह रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि मतलब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं।